हेलो हाय नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल स्टे परफेक्टली इम्परफेक्ट। सो आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ ना, वो टॉपिक से आई डोंट थिंक कि कोई भी भाग सका है। मतलब आपकी लाइफ टाइम में एक ना एक बार तो आप इस चीज़ को फेस ज़रूर किया होगा। मैं बात कर रही हूँ डैंड्रफ के बारे में। ठीक है, आई नो कि यार ये टॉपिक ऐसा है ना कि मतलब हाँ, आई नो कि डैंड्रफ कोई हार्मफुल चीज़ नहीं है, ठीक है, बट इट कैन बी एम्बैरेसिंग, क्योंकि यार इसमें दो तीन प्रॉब्लम होती है। ठीक है, लाइक आपके शोल्डर्स पे, ठीक है, आपको वो डैंड्रफ के पार्टिकल्स दिखेंगे, दैट इज़ नॉट गुड। ठीक है, और मे बी आपको बहुत ज़्यादा अगर इस हो जाए डैंड्रफ तो इचिंग का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, एंड इफ़ यू आर डूइंग लाइक दिस दैट विल नॉट लुक गुड ना। सो आई नो इट्स नॉट हार्मफुल, बट इट कैन बी एम्बैरेसिंग एट द सेम हैंड। सो आई थिंक कि ये एक ऐसा टॉपिक है दैट वी शुड डिस्कस अबाउट इट एंड हाउ वी शुड नो दैट कि हमें इसको कैसे ओवरकम करना है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैं बात करना चाहती हूँ, दैट इज़ वॉट इज डैंड्रफ। हमें पहले पता तो हो कि प्रॉब्लम क्या है, तभी तो उसका सोल्यूशन निकलेगा ना। सो एक्चुअली डैंड्रफ क्या होता है ना, डैंड्रफ इज बेसिकली द, मतलब कह सकते हो कि दीज आर द, यू नो, आपकी स्कैल्प के कुछ कह सको स्किन सेल्स होते हैं, ठीक है, और वाइट फ्लेक्स यू कैन से दैट, जो कि फॉल ऑफ होते हैं फॉर मोर देन अ यूजुअल कंडीशन। ठीक है, एक यूजुअल जो कंडीशन है उससे ज़्यादा फॉल ऑफ हो तो डैंड्रफ की सिचुएशन बनती है। ठीक, अभी क्या होता है ना, डैंड्रफ जब हमारे हेयर्स पे होता है ना, तो क्या होता है कि ये बहुत सारी सिचुएशंस में हो सकता है। ठीक है, आई नो इसका ऐसा कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है कि क्यों हुआ डैंड्रफ, बट आई कैन टेल यू द सिचुएशंस वेयर दैट दिस कंडीशन कैन इंक्रीज और देयर आर द रिस्क ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ दिस सिचुएशन। ठीक है, सबसे पहली चीज़, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ डैंड्रफ। सबसे पहला फैक्टर, ओके, दैट इज द एनवायरमेंट इन विच यू आर लिविंग। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप बहुत ज़्यादा ह्यूमिड कंडीशन में रह रहे हो ना, तो डैंड्रफ के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इफ़ यू आर लिविंग इन अ वेरी कोल्ड ड्राई प्लेस तो भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा जैसे यू आर कमिंग टू द एक्सपोजर ऑफ सनलाइट बहुत ज़्यादा, ओके, और बहुत ज़्यादा डस्ट वाली जगह पर हुआ तो भी डैंड्रफ का सिचुएशन बहुत बढ़ जाता है। दूसरी चीज़, द चेंज ऑफ सीजन। ठीक है, वेन देयर इज़ वन सीजन देन देयर इज़ अनदर सीजन। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, इफ देयर इज़ यू नो कोल्ड वेदर, उसके बाद गर्मी आती है, यार ये जो सीजन चेंज होता है ना, इसका हमारे स्कैल्प पे थोड़ा इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है, इसके कारण हमें डैंड्रफ हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा जो थर्ड कंडीशन है, दैट इज़ अति सर्वत्र वर्जित, ओके, दैट मीन्स एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। यानी अब एक्सेस मैं किस चीज़ों की बोल रही हूँ, एक्सेस मतलब कि यार आपने बहुत ज़्यादा शैम्पिंग कर ली, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपने ऑयलिंग कर ली, बहुत ज़्यादा कंडीशनिंग कर ली, ठीक है, तो इन सारी सिचुएशन में ना आपको पक्के से डैंड्रफ का प्रॉब्लम होगा। और सिमिलरली अगर आपने बहुत कम किया, दैट मीन्स आप यार हफ्ते में एक बार या दो हफ्ते में एक बार शैम्पू कर रहे हो, ऑयलिंग कर ही नहीं रहे हो, कंडीशनिंग कर ही नहीं रहे हो, तो ये सिचुएशंस भी ना क्रिएट करती हैं डैंड्रफ की सिचुएशन को। तो मतलब आपको बैलेंस बना के रखना होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप बैलेंस नहीं बना के रखोगे ना, तो बहुत ज़्यादा यू नो आपको डैंड्रफ का सिचुएशन बार बार और रिपीटेडली आएगा। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशंस होती हैं जिसके कारण डैंड्रफ अराइज होता है। ठीक, अभी क्या है कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अभी मैं आपके साथ एक DIY शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है डैंड्रफ को कंट्रोल करने में, किसी भी सीजन में, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी सीजन, एनी क्लाइमेट, एनीथिंग। और जो मैं कर रही हूँ दैट इज ईजिली अवेलेबल इन योर होम, ओके, बट उससे पहले मैं शेयर करती हूँ एक दो टिप्स जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है जब भी आप, मतलब ताकि आप उस डैंड्रफ की सिचुएशन को ना और ज़्यादा ओवरकम कर पाओ। बहुत छोटी सी बातें हैं, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस, ओके। चीज़ क्या है ना कि यार स्कैल्प में कंडीशनर कभी मत लगाओ। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप स्कैल्प पे कंडीशनर लगाओगे ना, आपको बहुत ज़्यादा यू नो उसके एडवर्स इफेक्ट देखने मिल सकते हैं, आपको हेयर फॉल हो सकता है, डैंड्रफ तो होगा ही होगा, इसलिए केवल यहाँ से लेके रूट्स तक ही आप कंडीशनर को लगाओ, ओके, ओके। ऑयलिंग के लिए, अब सेकेंड चीज़ ऑयलिंग,
ऑयलिंग के लिए मैं एक ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि ऑयलिंग का ऐसा है ना कि यार आपको ऑयलिंग बहुत ज़्यादा भी नहीं करनी है, ठीक है। लोगों को लगता है कि यार दो दो तीन तीन दिन तेल डाल के रखते, तो पहले के लोग डाल के रखते थे, दैट वॉज अ डिफरेंट सिचुएशन, पॉल्यूशन बहुत कम था तब, लेकिन अभी पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो तुमको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। ऑयलिंग करना है ओवरनाइट करो और सुबह वॉश कर लो। अगर कर रहे हो दिन में कर रहे हो, देन कीप इट फॉर लाइक वन टू थ्री आवर्स, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, आप एक्सपोजर में आओगे सन रेज के, पॉल्यूशन होगा, और जो ऑयली स्कैल्प होता है ना उसमें पॉल्यूशन, यू नो, पॉल्यूशन को अट्रैक्ट करने का चांस ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। शैम्पूइंग भी कर रहे हो ना, तो यार डायरेक्ट शैम्पू को हाथ में लेके डायरेक्ट मत करो, ठीक है। आप एक मग लो, उसमें थोड़ा सा पानी डालो, उसमें शैम्पू को डाइल्यूट करो, उसके बाद उसको अप्लाई करो। अगर ये तीन छोटी छोटी सी बात है ना, अगर इसको आपने ध्यान में रख लिया ना, तो देखना आप कितना, ये छोटी छोटी चीज़ों का चेंज ना आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, ठीक है। सो अभी क्या करती हूँ मैं, आई होप कि आप ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखोगे। नाउ मैं आपके साथ जो DIY शेयर कर रही हूँ ना, वो DIY सिर्फ दो चीज़ों से बना हुआ है, ओके। वी नो दैट लेमन एंटीऑक्सीडेंट होता है, लेमन में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिससे आपकी इचिंग की प्रॉब्लम बहुत हद तक रिमूव होगी। सिमिलरली कोकोनट ऑयल के तो मतलब बेनिफिट्स हमें मतलब भर भर के हैं ना, हमको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, इतने बेनिफिट्स हैं, ठीक है। कोकोनट ऑयल जो होता है नरिश करता है स्कैल्प को, उसमें भी यू नो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हमारी ये जो रूट कॉज प्रॉब्लम है ना, इसको काफ़ी अच्छे से रिमूव करेंगे। नाउ हम देखते हैं कि हमें कैसे इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है और कैसे हमको इसको अप्लाई करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट पार्ट। अभी हमने ये मिक्सचर को प्रिपेयर कर लिया है, सो नाउ व्हाट वी द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू, अभी आपको क्या करना है, आपको इसको अप्लाई करना है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि हमें इसे अप्लाई सिर्फ और सिर्फ हमारे स्कैल्प पे करना है, हमारे हेयर लेंथ पे अप्लाई नहीं करना है। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन अप्लाई अ नॉर्मल हेयर ऑयल, आप हेयर ऑयल नॉर्मल हेयर ऑयल को अपनी लेंथ पे अप्लाई कर सकते हो, बट मेक श्योर कि ये जो लिक्विड है जिसको आपने लेमन जूस और कोकोनट ऑयल को मिला के बनाया है, इसको स्कैल्प पे अप्लाई करें। अब इसको अप्लाई करते हैं कैसे, ये मैं आपको बताती हूँ। तो आप दो चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, और वी कैन से मोस्टली तीन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। यू कैन टेक अ कॉटन बॉल ले सकते हैं, नॉर्मल कॉटन आपके घर पे आप वो भी ले सकते हैं, या फिर आपने जो लेमन जूस निकाला होगा ना उसका जो पील है आप वो भी ले सकते हैं, उसको डायरेक्टली इस पे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मैं फॉर एन एग्जाम्पल, और ये भी दोनों आपको नहीं लग रहा है तो आप नॉर्मल ऐसे उंगलियों को डिप करके और ऐसे करके मसाज भी कर सकते हैं। राइट नाउ मैं कौन सी चीज़ यूज़ करूँगी, मैं यहाँ पे पील का यूज़ करूँगी। तो क्या करना है, हमको सिंपली इस पील को हमारे मिक्सचर में डिप करना है, एंड डिप करने के बाद इसको कुछ नहीं करना है, हमारे स्कैल्प, जो हमारा स्कैल्प है उस स्कैल्प पे ऐसे ऐसे करके रब करना है। मैं पील यूज़ करने के बाद इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पील यूज़ करेंगे इसमें और जो रेशे हैं वो यहाँ पर अच्छे से लगेंगे, और वो मतलब कोई ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं आएगा बट कॉटन से बेटर रहेगा। तो आप ऐसे ही करते करते सिर्फ यू नो रूट्स पे लगाते जाएं इसको, इसको ऐसे अप्लाई करते जाएं अच्छे से। इसी तरीके से आपको ये पूरे हेयर्स में अप्लाई करना है, और जब आप इसको पूरे हेयर्स में अप्लाई करेंगे तो आपको 5 मिनट्स के लिए ऐसे लाइट हाथों से इसको मसाज देनी है। हो सकता है अगर आपको बहुत ज़्यादा डेंड्रफ है तो आपको थोड़ा सा इचिंग फील होगा स्टार्टिंग के लिए, तो आप क्या करना, कोई घबराने की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा इचिंग नहीं होता, बियरेबल इचिंग होता है, बट एक्चुअली वो हमारे डेंड्रफ पे काम करता है लेमन जूस, तो इसलिए थोड़ा सा इचिंग हमको फील होता है। आप इसका वीक में एक बार यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करिए इसको, 25 से 30 मिनट रखिए, उसके बाद अपने हेयर्स को वॉश कर लीजिए। आप जब इसको कम से कम 1 महीने यूज़ करेंगे आपको ड्रास्टिक चेंज दिखेगा, आपको डिफरेंस दिखेगा। मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस रेमेडी को यूज़ करिए, एंड एक महीने यूज़ करने के बाद मिनिमम प्लीज़ मुझे यू नो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या रिजल्ट रहे। अगर अच्छे हैं दैट वुड बी ऑल्सो गुड, अगर बुरे हैं दैट वुड बी ऑल्सो गुड, मुझे पता लगेगा, सो आई कैन यू नो चेंज द रेमेडी और समथिंग लाइक दैट। मेरे लिए तो बहुत वर्क किया, आपके लिए भी डेफिनेटली वर्क करेगा। सो यही मेरा आज का वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, और लड़के और लड़कियाँ दोनों इसको यूज़ कर सकते हैं, इट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, आप कोई भी हो आप दोनों यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है।
तो अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर शेयर करिए मेरे चैनल स्टे परफेक्टली इम्परफेक्ट को, यू नो सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ देखिए ताकि आप, और नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आप मेरे ऐसे वीडियोज़ को मिस ना करें. एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, बिलीव इन द फिलॉसफी ऑफ लविंग योर सेल्फ.